জিএসটি নিয়ে ব্যবসায়ীদের হেনস্থার অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, এমনকি ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ ওঠে। উত্তরপ্রদেশের মহিননগরে এক ব্যবসায়ী জিএসটি অফিসারদের হেনস্থার প্রতিবাদে জামা কাপড় খুলে অফিসেই ধর্নায় বসে গেলেন। একবারে MBBS মুন্নাভাই স্টাইলে প্রতিবাদ। নাজায়জ দবাব বনা রে যা তো আপনার পেসে দে আর যা আপনি আপ মেরে উপর উল্টি সিধে পেনাল্টি লাগায়েঙ্গে কেসে লাগায়েঙ্গে আপ মেরে উপর পেনাল্টি আপনি চুপচাপ কেউ বুলা রেতে আপনি ব্যক্তি দিকে চুপচাপ আপনার ব্যাপারী কো মে বাত কর দূ রেকর্ডিং ফোন ইনোনে ইয়ে বাত কী কি মেরে আপনার ব্যাপারী কো ভেজ দূ আমি আপনার গাড়ি কাজ ইনোনে টার্গেট পুরা করার কে মেরে পে 85 লাখ রুপে কাজ টার্গেট নাই 85 লাখ রুপে টার্গেট 85 লাখ রুপে পুরা করার তো কেন নো পুরা করার আগার আপ জেসে লোগো কো নাই পকড়েঙ্গে তো টার্গেট কেসে পুরা হবে না তুম কাপড়ে নাই বিলকুল নাই পকড়েঙ্গে কাজ হবে না জব ইয়ে নি পুরা তো হমকে তো মান দেঙ্গে জব ইয়ে আপনি কন্নি পড় রে তো হম ভি আপনা পড়েঙ্গে मैं चेन्नई अच्छा नहीं मैं जमा जाऊंगा जी। इन्होंने आज इस तरीके की बात करी है, इन्होंने कहा 85 लाख रुपए का मेरा टारगेट है, मुझे वो पूरा करना है 85 लाख रुपए का टारगेट। भाई साहब जब इन्होंने इस तरीके बात करी है क्या करूंगा, व्यापारी को हम रात दिन रजिस्ट्रेशन करा करा के काम करके चेक कर रहे हैं, एक नए पैसे की चोरी नहीं कर रहे, उसके बाद ही हमारा हैरेस कर रहे हैं। अंदर से दिन दुखा इस समय जोर जोर से कोई नहीं बोल रहा है, यहाँ जोर से बोल रहा है अगर अंदर की हमारी टीचर बोल रहे हमारी सुविधा का जवाब सीखो हमारी नहीं हमारे और सीखो ना पता नहीं पता चला आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप मुझे जेल भेज दो ना। हाँ आप नहीं जेल भेज दो, आप मैं बैठा हूँ यहाँ पे यार आप बुलाओ बुला भाई साहब किसी सरकारी काम में मैंने बाधा डाल दी, आप मुझे जेल भेजो आराम से हमारे चैम्बर में। अरे महाराज आप हमें जेल भेजो, यहाँ क्या आपको क्या सबको मैंने बाहर किया क्या है कोई बात नहीं ना इंस्पेक्शन। अरे भाई साहब कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है, सब भी बोल रहे हैं आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है। मैं इस समय से अब ले रहा हूँ लोन, मैं अब बिल्कुल बोलूंगा नहीं साहब, बिल्कुल लोन ले दिया मेरे, आपकी अकेली गाड़ी नहीं आई और अब ये ध्यान में बैठ गए, अब ये बोलेंगे नहीं ये बताते मैंने आपसे, अब ये बोलेंगे अब ये ध्यान में बैठ गए आपने, हाँ अब ये भगवान के ध्यान में बैठ गए अब ये बोलेंगे बिल्कुल भी। इतनी गाड़ियां और रखिए, आपकी वजह से कोई अंदर नहीं आ रहा है, ये सरकारी काम ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ पर एंशन पर बैठ सकते हैं, हमारा अधिकार है, बाहर बैठिए ना, हाँ बाहर ही बैठ जाएंगे, बाहर बैठिए, अगर पुलिस हमें निकाल के यहाँ से बाहर ले जाएंगे हम बाहर बैठेंगे, हम क्यों निकाले बाहर आपको, हाँ आप बाहर निकालिए बाहर बैठेंगे। अक्षय आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, नहीं अधिकारी बड़े लोग समझा रहे हैं, कोई बात नहीं समझा रहे, आप पहले बात कर लो या बात कर लो बैठे रहो ना, आप बात कर लो अधेर जी, आप बात कर लो, अक्षय जैन अरिहन इनकी गाड़ी सेटेक्स विभाग के सचल दस्ते में सुबह टाटा धर्म कांटे से लेके आ गए हैं और उस गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, ये सब चीजें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये 2 लाख रुपए की डिमांड इस केस के अंदर कर रहे हैं और नहीं देने पर इस गाड़ी को छोड़ने के लिए मना करते हैं, जबकि ये गाड़ी ईवे बिल बना हुआ है, माल ट्रांसफर हुआ है, मेरठ से गाजियाबाद के लिए डिलीवरी चलान बना हुआ है, कोई भी किसी प्रकार की इस माल के अंदर टैक्स की कोई भी चोरी नहीं है, उसके बावजूद भी व्यापारी को हरेसमेंट करा जा रहा है और उसके साथ अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान हो गया व्यापारी ने जब ये कह दिया कि मेरे पास
कोई पैसा देने के लिए नहीं है तो वो यहां पर मौन धारण करके अब अनशन पर बैठ जाएंगे।